हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान बूस्टर में आपका स्वागत है। तो इतिहास में पहली बार किसी ने स्पेस के अंदर क्रॉप हार्वेस्ट की है, जो कि है ना। तो नासा ने एक बार फिर से हिस्टोरिक अचीवमेंट ऐड कर लिया है। नासा के एस्ट्रोनॉट ने स्पेस स्टेशन के अंदर रेडिस की क्रॉप की है, जो एक नासा का एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है प्लांट हैबिटेट PH2। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, तो नासा ये देखना चाहता है कि जो रेडिश की क्रॉप स्पीस के अंदर ग्रो की है, तो जो ग्रो की है, जो खेती की है, तो जो कैसे रेडिश ग्रो होता है, कैसे मैच्योर होता है, जो अर्थ के कंपैरिजन में कैसे ग्रो करता है, क्या फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, तो ग्रेविटी जो मेन फैक्टर है जो कैसे अफेक्ट करता है, माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में कैसे ग्रो करता है, और उसे जो चेंबर बनाया गया था स्पेशल टाइप का, जिसमें उसे आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड की गई थी और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए गए थे, जो नॉर्मली अर्थ के ऊपर टोटल 27 से 70 डेज के अंदर जो मैच्योर होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो स्पेस के अंदर इसे ग्रो किया गया था, जिसमें वो टोटल 27 डेज के अंदर ही मैच्योर हो गए थे, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको आगे वीडियो में टाइम लैप्स देखने को मिलेंगे, तो मज़े लीजिए।